कैसे उन लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा व्लॉगर्स के ऊपर कि डेली उनको लाइफ में अपने कुछ ना कुछ करते रहना होगा, एक ड्यूटी फील करते होंगे वो। अगर आप चाइल्ड केयर का कोर्स करते हैं तो वो भी कोई यू नो $6,000 का हो रहा होगा, $3,000 का हो रहा होगा। वो बेस्ट लाइफ स्टाइल जो है लोगों का वो डॉक्टर्स का है। डॉक्टर्स का बहुत ही अमेजिंग सीन है यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे आते साथ आपने जॉब शुरू कर देनी है, पहले तो आपने सर्वाइवल करना है, अपना पढ़ना है। यहाँ पे आके ऊबर चलाने के लिए भी आपको एक सर्टेन ईयर हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं भाई? डेली व्लॉग्स बनानी हो तो फिर डेली अपनी लाइफ के बारे में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि डेली लाइफ में कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा होता जो कि इतना हैपनिंग हो जो दिखाया जाए। मैं ये सोच रही थी आजकल के व्लॉगर्स कैसे उन लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा व्लॉगर्स के ऊपर कि डेली उनको लाइफ में अपने कुछ ना कुछ करते रहना होगा, एक ड्यूटी फील करते होंगे वो लोग, ऑब्लाइज फील करते होंगे, उनको डेली कुछ करना है क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट लेकर आनी है। अच्छा, मुझे क्योंकि एंटरटेनमेंट से ज़्यादा बातें करने का शौक है और शायद इसी चीज़ ने मुझे होस्ट बनाया। एनीवेज, बहुत सारे कमेंट्स थे ये कि USA आके क्या करना चाहिए, मतलब क्या काम करना चाहिए। मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, ना ही मैंने अभी तक यहाँ पे कोई जॉब की है या you know, ऐसा कोई सीन नहीं है। मगर मैंने जो चीज़ें देखी हैं और जो ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि कहते हैं कि you know, दूसरे मुल्क में बैठ के परदेश के बारे में सोचना नहीं चाहिए, जो लोग वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं, बैटल फील्ड में मौजूद होते हैं, उन्हीं को पता होता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आपको वही वाला अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी जो मैंने खुद यहाँ पे अपनी आंखों से देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ बातें मेरी you know, गलत भी हो सकती हैं, कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। डेफिनेट श्योर नहीं हूँ हर चीज़ के बारे में, मगर यहाँ पे जब लोग आते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं आगे, और कुछ लोग अपने कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे किस फील्ड में, किस फील्ड को बहुत ज़्यादा हाइप पे देखा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि ख़वातीन जो होती हैं वो जाती हैं डे केयर, उनके लिए सबसे आसान होता है क्योंकि उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों को जाके डे केयर में उनकी टेक केयर भी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ पे 5 साल से पहले स्कूल नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मेरा मुस्तफ़ा अभी 3.5 साल का है तो वो नहीं जा सकता है अगले 2 साल तक, 2.5 साल का, सॉरी 2.5 साल का है और अभी तक वो नहीं जा सकता है 2.5 साल तक स्कूल। तो 5 साल तक के लिए औरतों को वेट करना होता है। वो क्या करती हैं कि वो डे केयर में जॉब करती हैं, वहाँ पे उनके बच्चा भी उनके साथ साथ ही होता है, तो डे केयर बेस्ट ऑप्शन होता है औरतों के लिए। और डे केयर में मगर ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे आपके नहीं बनते, बस थोड़े पैसे बनते हैं, मतलब समझे आप 2,500, मैंने सुना है कि 2,500 तक आपके बन जाते हैं डे केयर में। इसके अलावा मैंने देखा कि यहाँ पे नर्सिंग की फील्ड में भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डे केयर के कोर्सेज करते हैं, यानी चाइल्ड चाइल्ड हैंडलिंग के जो कोर्सेज होते हैं, डे केयर के, चाइल्ड केयर के जो कोर्सेज होते हैं वो कर लेते हैं, डे केयर के कोर्स कर लेते हैं और फिर उसके साथ साथ CPR भी कर लेते हैं। CPR को बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता, मगर उससे ये कि जब उनकी जॉब लग रही होती है तो CPR में उन लोग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, CV में एक चीज़ ऐड हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने डे केयर्स भी ओपन कर लेते हैं, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो आपकी अपनी कंट्री का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बहुत लंबे चाहिए होते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मतलब मुझे मेजरली मैंने जगहों पे देखा है कि 10 साल का आपको एक्सपीरियंस किसी चीज़ में, फील्ड में चाहिए, अगर आप यूर इन टू सीरियस मनी मेकिंग। ऑल्सो ज़ाहिर है अगर आप चाइल्ड केयर का कोर्स करते हैं तो वो भी कोई यू नो $6,000 का हो रहा होगा, $3,000 का हो रहा होगा, वो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, मगर मैंने पता किया था कोर्स करने के लिए तो वो दैट वाज $6,000। एक और बात मैं आपको, वराई करती होगी, रेट्स वराई करते होंगे इधर से उधर ऊपर से नीचे, जाहिर है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोग सीरियस मनी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग हमेशा, मैंने उनके मुंह से ये सुना है कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस। यहाँ पे जिन लोगों को सिर्फ मतलब गुजारा भी नहीं हो रहा होता और गुजारा करना होता है वो लोग जॉब करते हैं, मगर पीपल हु कैन डू इट, हु आर एबल टू डू इट एंड हु आर you know, मनी मेक्स मनी, अगर उनके पास पैसा है तो वो पैसा बना सकते हैं उस पैसे से आगे, ठीक है। तो सम पीपल व्हाट दे डू इज मियाँ बीबी दोनों जॉब करते हैं और फिर you know, सेव करते हैं और फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास पीछे से पैसा लेकर आए होते हैं तो वो फिर कहते हैं कि हम किसी के लिए काम क्यों करें, हम डायरेक्ट you know, अपना बिजनेस ही करेंगे। कुछ लोग फूड के बिजनेस में चले जाते हैं, कुछ लोग डे केयर के बिजनेस में चले जाते हैं,
फूड के बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो यू नो यू कैन आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अ व्हाट यू कॉल इट फूड ट्रक एंड फूड स्टॉल और व्हाट्सो एवर. बट एनी वेज द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द आई टी पीपल. यहाँ पे आई टी का बहुत ज़्यादा स्कोप है. मतलब पीपल हु आर मेकिंग सीरियस मनी आर द आई टी पीपल. मैंने पता किया दे आर सम क्लाउड कोर्सेज, डाटा एनालिस्ट के पोजिशंस होती हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर मतलब क्रिएटिंग और बहुत सारी. एंड देन देर आर एथिकल हैकर्स एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. सो इफ़ यू आर इनटू आईटी तो वारे न्यारे हैं. आपकी आप एप्स बना सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए. सो इट्स अ वेरी कॉर्पोरेट जॉब एंड यू मेक हेल अ लॉट ऑफ मनी, हेल अ लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी. अगर एक यहाँ पे नॉर्मल बंदा यू नो सालाना 65,000 कमा रहा है तो मुस्तफ़ा सामने से हट जाए बेटा, मुस्तफ़ा उसको झूले पे ले जाओ प्लीज प्लीज. अगर सॉरी मुस्तफ़ा आ गया था. अगर एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे 65,000 सालाना कमा रहा है तो यू नो एक आईटी वाला बंदे की अगर आप जॉब देखेंगे तो वो कोई, अगर आपने सीरियस कोर्सेज किए हुए हैं तो वो 1.5 लाख तक है, ठीक है. और आईटी का कोर्स ये है कि आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं आपको. हाँ आपको बेसिक आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आईटी की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मगर उसमें भी ये है कि अगर आप बहुत ज़हीन हैं वाकई ज़िंदगी में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, वो आप ख़रीद लें. कभी कभी वो कोर्सेज हैं वो $150 के मिल जाते हैं. कभी कभी सेल्स आती हैं इनकी, सालाना सेल्स आती हैं कोर्सेज की भी, वहाँ से भी आप लोग ख़रीद सकते हैं, ठीक है. बहुत ही सस्ते लग जाते हैं कोर्सेज. तो उसमें यह है कि आपकी एक बेसिक जॉब भी हो जाती है और आईटी में अगर आप हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई उसमें क्या नहीं हुआ. मतलब आईटी में तो मैं कहती हूँ आने वाले सारी दुनिया ही आईटी की है ना, सारी दुनिया आईटी की है. तो फिर आईटी का तो ये कि फ्यूचर आपका बहुत स्ट्रांग है. और फिर ये है कि क्या मैं कह रही थी, हाँ सो या सो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी विद आईटी. आप बेसिक एक जॉब कर सकते हैं और जॉब के साथ साथ आप फिर फ्रीलांस पकड़ते हैं, यानी कि आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी पकड़ सकते हैं. You know, you can pitch companies with the courses that you have done and you can take, you know, individual projects. Project management bhi hoti hai isme. Bahut, bahut zabardast scene hai IT. Achha, yahan pe waise logon ko agar personally observe karte hai, maine ye bhi dekha hai ki best lifestyle jo hai logon ka, wo doctors ka hai. Doctors ka bahut hi amazing scene hai yahan pe. Like people that I observe, I think that doctors are living their best lives. अब उसमें मुझे ये नहीं पता, हाँ उसमें मुझे ये नहीं पता कि doctors की जो degrees हैं यहाँ पे license, I'm sure कि यहाँ से फिर आके यहाँ का लेना पड़ता होगा क्योंकि हर मुल्क में अपना license लेना पड़ता है हर चीज़ का. मैं वही बात यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती थी कि child care का हो, medical का हो, किसी भी चीज़ का हो, मतलब किसी हर चीज़ का आपने लाइसेंस अपना लेकर आना है पाकिस्तान से. अच्छा पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल जो है वो डॉक्टर्स का है. मतलब जितने भी लोगों को मैंने देखा, मैं कहती हूँ सबसे जो पॉशियस लाइफ जो जी रहे हैं ना यहाँ पे, वो डॉक्टर्स जी रहे हैं. मगर आई एम श्योर कि यहाँ पे आके लाइसेंस आपको लेना पड़ता होगा अपनी, यू नो डॉक्टरी को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए. हर मुल्क का अपना लाइसेंस होता है. तो वही बात वहीं पर आ रही है कि मैं जैसे कहती हूँ कि चाहे वो चाइल्ड केयर हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कॉस्मेटोलॉजी का कोई कोर्स हो, आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए. तो आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे आते साथ आपने जॉब शुरू कर देनी है. पहले तो आपने सर्वाइवल करना है, अपना पढ़ना है यहाँ पे आके. तो जैसे भी पिछले दिनों मुझे एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का बहुत वहाँ पे वेल नोन है, उनका कॉल आई कि मैं यू नो यहाँ से, मैंने पता नहीं कौन से गवर्नमेंट की जो डिग्रीज हमारी होती हैं वहाँ से मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया हुआ, ये कोर्स किया हुआ है, ब्यूटी का कोर्स किया हुआ, नहीं क्या क्या. तो मैंने कहा बहन यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं चलेगा. अमेरिका आपसे अमेरिका का लाइसेंस मांगता है हर चीज़ का और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है. मेरी एक दोस्त दुबई में मतलब सालों से वो वहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग देती थी, ठीक है, पायलट्स की ट्रेनर थी और मेरे साथ ही बड़ी हुई है अरीशा, हम दोनों साथ पढ़ते थे माशाल्लाह, अब उसका भी बेटा है. वो बेचारी यहाँ पे आके अपने 2 साल के बच्चे को भी संभाल रही है और वो यहाँ की पायलट का लाइसेंस
ले रही है। अब आप देखें कि आपको बुरा भी लगता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे थी तो आप रिवर्स होके पीछे आए हैं और फिर आपने ABCD पढ़ना शुरू किया है और फिर आपकी उन सारी मेहनत का जो आप पाकिस्तान से आए हैं वो आपको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है और आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती तो हैं, मगर बस मुशक्क़त और मेहनत का नाम है ज़िंदगी। अच्छा, कुछ लोग इतने जज्बाती भी होते हैं जो कहते हैं हम आके ऊपर चला लेंगे, हम आके करीम चला लेंगे, पता नहीं क्या क्या। उनको ये नहीं पता होता कि ऊबर चलाने के लिए भी आपको एक सर्टेन ईयर से ऊपर की मॉडल चाहिए होती है। मेरा ख्याल है 2020 से ऊपर का मॉडल चाहिए। अभी मुझे नहीं पता, मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोल दिया था कि मुझे कंफर्म बातें नहीं पता, मगर जो बातें कंफर्म पता है वो वसूख से बता सकती हूँ। एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, मगर ऐसे ईयर के मॉडल के बाद की गाड़ी आपको ऊबर के लिए भी चाहिए होती है जो आप आसानी से ले नहीं सकते, ठीक है, अगर आप नए नए पाकिस्तान से आए हैं तो, और आप इतने मतलब उसमें हैं कि आप ऊबर भी कर लेंगे तो। और दूसरी बात ये कि ऊबर के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी एक मखसूस वो होनी चाहिए, मतलब कि मतलब 2 साल पुराना होना चाहिए या 1 साल पुराना होना चाहिए, आई डोंट नो। मगर आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ जो भी आप सोचते हैं कि हम आते साथ ये कर लेंगे और हम आते साथ वो कर लेंगे, तो पहले आपने बहुत रिसर्च करनी है, ठीक है। जिस तरह फूड का बिजनेस है, बहुत बहुत औरतें जो हैं वो अच्छे खाने भी बना रही हैं, मगर बात यह है कि हर औरत ही खाना बना रही है यहाँ पे, तो आप सोचेंगे कितनी औरतों के खाने बिक जाएंगे, राइट, या आपका बिजनेस कितना एक्सपेंड हो जाएगा। मैं तो ये मानती हूँ कि नसीब होता है इंसान का, अल्लाह ताला जिसको जितना देना चाहता है उससे ना कोई कम दे सकता है ना कोई उससे ज़्यादा दे सकता है। मगर बहुत, और फिर ये बात भी है कि बहुत सारे लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान में काम पे प्रोफेशनली मार्केट ख़राब कर देते हैं, तो वो इस तरह यहाँ पे भी मार्केट बहुत लोगों ने ख़राब की हुई है बहुत ज़्यादा। जैसे बिलफर्ज, अगर एक काम का बनता ही $1,000 है, मैं आपको बिलफर्ज बता रही हूँ, तो वो लोग 200 में भी काम करें, अब वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं या क्या, जो भी मसला है जो भी बात है, मगर बात ये कि इन रियलिटी फिर सब बेचारों सब सब बोलते हैं कि भाई ये काम तो 200 में भी हो रहा है तो फिर हम क्यों, उसके लॉस पता कर कर आएँ। आधे ज़्यादा मैं यहाँ पे आवाम को देखती हूँ जिसको कोई लॉ नहीं पता, बस वो बस लगे पड़े हैं, तो बस अल्लाह देता तो जिसको चाहे अल्लाह ताला दे देता है रोज़ी, तो इंसान भूखा तो सोता नहीं है। मगर अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा लॉज और रूल्स वाली है ना, तो अगर आपको रूल्स पता हो लॉज पता हो, तो ये है कि आप और बेटर तरीके से अपने काम को भी प्रोफेशनली आगे परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो रूल्स रेगुलेशंस की और इन सारे तौर तरीकों की आदत होती है ना, तो अगर आप जिस मुल्क में आए हैं आप उन्हीं की तरह से चलेंगे तो ये है कि वो लोग आपसे ज़्यादा इम्प्रेस भी होंगे और आपका काम फलेगा भी फूलेगा भी। मुझे उम्मीद है जो सारी बातें मैंने की उससे आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, मेरी बात का मुद्दा ये समझ आया होगा कि जो भी काम प्लान करने के लिए आते हैं उसकी प्रॉपर रिसर्च आपके पास वसूख के साथ होनी चाहिए, मेरा मुद्दा ये था, ठीक है। बाकी जो बातें मैंने कही हैं इनको आप लोग कुछ, अगर मैंने ऊपर नीचे गलत कह दिया है तो आप लोग उसको गूगल करें, उसको सही से देखें, उसको सही से परखें, और किसी पे भी आने से पहले डिपेंडेंट ना हो, किसी पे भी आने से पहले तकिया ना करें। जब आप लोग आएँ तो तकिया अपना सारा अल्लाह ताला पे करें, डिपेंडेंट आप लोग अल्लाह के हों, अल्लाह से मांगें, अल्लाह नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें, अल्लाह ताला से बातें करें और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, मगर रिसर्च अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। आप सबको बहुत सारा प्यार, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई और ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसी बात हो जिस पर आप लोग चाहते हैं कि मैं और आप बातें करें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।